एक रिलेशन जो आता है हमारा वेलोसिटी और ओमेगा का, हम लोग उसको भी थोड़ा लिखते हैं, कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, और वेक्टर वे में, राइट। और आते हैं हम उस पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थीटा और डेल्टा थीटा इन चीजों को एक बार वापिस से लिख रहा हूं, एज इन कि आप खुद समझ रहे हैं कि हम लोग जो ये लिख रहे हैं, हाँ, इसके जो भी पॉइंट होता है और रेफरेंस लाइन जो भी ये आर्क में इंटर करते हैं और दिस वैल्यू, हाँ जी, हाँ, दिस वैल्यू इज थीटा। अब देखिए जो बात होता है, अगर ये है, ये बी है और हम लोगों ने ये डेल्टा एस मानते हैं, हाँ ऐसा लिखते हैं, तो देखिए ये थीटा या हम इसको डेल्टा थीटा भी लिखते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप डेल्टा थीटा लिखते हैं तो वो डेल्टा एस बाई हम लोग आर लिखेंगे, हाँ से यही हमारा आर है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और इस तरीके से ही हम लोग यहां पर आते हैं, तो आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए और आपका जो है, हाँ, डेल्टा टी, और ऐसा हम लोग डेल्टा टी कर देते हैं तो ये आ जाता है कि ओमेगा इक्वल्स टू वी और बाई वॉट आर, और वी इक्वल्स टू ओमेगा आर हम लोगों ने लिखा है। हाँ जी, ध्यान से। दूसरी बात, अगर आपको ये मैं बोलूँ ना, देखिए कि डेल्टा थीटा की बात करोगे तो वो आपका एक आता है डेल्टा एस, ऑफ कोर्स ये टेढ़ा वाला लेंथ अपॉन आर। बट अगर हम लोग डी थीटा की बात करें तो आप समझ ही रहे हैं ये डी एस बाई क्या आ जाएगा, आर। और अगर आप इसको करेंगे तो इनफैक्ट क्या होता है वो देखिए। देखिए अगर आप ये बड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं, हाँ जी, ये आर्क, तो आपका ये टेढ़ा रहता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, और इसका मतलब ये है कि आपका जो आएगा, हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी रहता है। दूसरी बात, अगर आप डी थीटा पे जाएंगे तो डी थीटा के लिए आप समझ रहे हो कि बहुत ही ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, हाँ। और अगर ये बी डैश है तो आप समझ रहे हैं कि इसके लिए, हाँ जी, अगर इस लोकेशन को हम लोग बी डैश लिख रहे हैं, हाँ, तो आप समझ रहे हो यहां से जो ये आएगा, ये आपका डीएस है, और आप समझ ही रहे हैं कि ये बहुत ही स्मॉल टेंडिंग टू जीरो के लिए आपका वेक्टर बन जाता है। तो ध्यान से, पता है आपका डी थीटा जो है ना इज अ वेक्टर होता है, हाँ जी, जबकि डेल्टा थीटा जो होता है वो आपका स्केलर होता है। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को यहां दिक्कत आ जाती है। वैसे तो पहले वेक्टर और स्केलर का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि बढ़ा दोगे तो वो वेक्टर हो जाए या कम कर दोगे तो वेक्टर हो जाए, ना। हाँ, इसका लॉजिक आप समझ ही रहे हैं, एक आर्क लेंथ आता है, हाँ, डिस्टेंस आता है। दूसरी बात, बहुत छोटा करेंगे, डी थीटा करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाता है, राइट। आगे आइए, नाउ जो v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख रहे हैं, इसका भी रिलेशंस को ना आप एग्जैक्टली अगर लिखें तो देखिए, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, हाँ, जो भी आप थीटा वगैरह हम लोग लिख रहे हैं, डेल्टा थीटा, तो देखिए जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करें तो वो आपको बताता है कि ये जो डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन है, वही हमारा रोटेशन है, वही हमारा ओमेगा है, राइट। तो अगर आप लिखेंगे वी और ओमेगा, हाँ, ये तो इंस्टेंटेनियस रिलेशन होते हैं, राइट, ये तो स्मॉल चेंजेस के लिए होते हैं, बिल्कुल। एवरेज भी लिखोगे तो आ जाएगा, हाँ। बात ऐसा है कि डी थीटा इक्वल्स टू आपका डी एस बाई आर आ रहा है, और डी थीटा बाई डी टी जो है वो वन बाई आर डी एस बाई डी टी आ रहा है, हाँ जी। एंड ऐसा आ गया कि ये नो डाउट ओमेगा होता है वन बाई आर, और ये वी होता है, हाँ जी, और यहीं से हमारा ये रिलेशन है वी इक्वल्स टू ओमेगा आर।
देखिए इनफैक्ट ये जो रिलेशन होता है वो आपका ऐसा होता है v इक्वल्स टू, हाँ जी ये, वेयर r इज रेडियस वेक्टर। देखिए अगर मैं एक ही बात करूंगा तो ध्यान से ये हमारा रेडियस वेक्टर है, हाँ मैं यहीं तक आ रहा है, सो आप उसकी डिस्टेंस को बढ़ाइएगा नहीं, तो एनीवे ये रेडियस वेक्टर है, ओमेगा अकॉर्डिंग ये है, तो आप ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगा, बिल्कुल इट्स अ वेक्टर रिलेशन और ये आपको जरूरी भी है, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से अब हम लोग इसको वेक्टर रिलेशन को ध्यान रखेंगे, v इक्वल्स टू ओमेगा आर तो हम लोगों ने लिखा भी था, बट इनके जो रिलेशंस हैं वो वेक्टरली रिलेटेड होते हैं और इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट मैं इससे रिलेटेड एक दो सिंपल एग्जांपल लिखते हैं फिर हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। रेडियन पर सेकंड, टू रेडियन पर सेकंड, एक पुल्ली है और इससे हम लोगों ने सॉरी अगर हम लोगों ने सपोज कोई एक ब्लॉक लटका रखा है, हाँ और ये डिस्टेंस जो है वो एच इक्वल्स टू से हम लोग 3 मीटर मान लेते हैं, है हाँ, और इसकी जो पुल्ली का जो रेडियस है उसको हम लोग लिख लेते हैं से स्मॉल आर, हाँ और स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, राइट। बात ऐसा है कि एक ब्लॉक है उस हाँ स्ट्रिंग से अटैच्ड है और वो एक पुल्ली से अटैच्ड है, नाउ जो स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है वो अपने को 3 मीटर दिया गया है, बोल ये रहे हैं कि इफ पुल्ली इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली विथ ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड, हाँ देन फाइंड, हाँ then find the time taken by the block to reach, हाँ at the pulley, है ना, हाँ जी बेसिकली जो भी है वो यहां से यहां तक पहुंच जाए, जो हमारा हाइट है वो वहां तक पहुंच जाए, राइट। अब बात आता है हाँ इन गिवन फिगर, है ना, आप इस चीज को ध्यान रखें, जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम जो गिवन फिगर है उसी का, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो हम क्या लिखें, कैसे लिखें, और ये ब्लॉक आप समझ तो जरूर रहेंगे कि ये पुल्ली ऐसे रोटेट होगा, ये स्ट्रिंग ऐसे जाएगा, तो ये कभी ना कभी पहुंच जाएगा, तो क्या होने वाला है वो देखिए। अगर आप इसको समझ रहे हैं और सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें तो देखिए सॉल्यूशन बस इतना ही है सिंपल कि अगर आप लिखोगे तो ये ओमेगा ऐसे चल रहा है तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियल होगा और ये ओमेगा इनटू कितना होगा आर होता है हर जगह पर वेलोसिटी, हाँ तो इस स्ट्रिंग का यहां से ऐसे वेलोसिटी है, काम खत्म, ये आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ये वेलोसिटी है, वट एवर ब्लॉक है, हाँ तो वी की वैल्यू ओमेगा आर आ गया और ये जो भी आपको डिस्टेंस या सॉरी हाइट दिया है तो हाइट ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, एच इक्वल्स टू 3 मीटर। तो अगर हम लोग वेलोसिटी और डिस्टेंस लिखेंगे तो एस इक्वल्स टू वी इंटू टी, एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, ये आ रहा है एच इक्वल्स टू ओमेगा आर, हाँ स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी दिया है आप लिख सकते हैं इंटू टी, एंड इन अ वेरी सिंपल वे आप एच ओमेगा और स्मॉल कैपिटल वॉट एवर
आप लिख लीजिए, ये 3 दिया है, ये 2 दिया है और r दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एज इन ये सेंटीमीटर में दिया है। हाँ जी, तो आप इस टाइम को लिखिए और ये टाइम जो है आपका 30/2 यानी कि अपने को आ रहा है 15 सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, 15 सेकंड में ये वहां तक पहुंच जाएगा। तो मैं बता रहा हूं ओमेगा दिया है, उसका लीनियर से एक बहुत ही बेसिक सा रिलेशन है और कोई बड़ी बात नहीं है, और आप इस तरीके से इतना हम लोग लिख सकते हैं, राइट ना, है ना। चलिए एक और ऐसा ही सिंपल हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। मूविंग, ऐसा करते हैं स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग इन सर्कल विथ यूनिफॉर्म ऑफकोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू, हां जी ये पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 1/3 ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ जी, मतलब बोल रहे हैं कि 1/3 ही एक, हाँ कंप्लीट नहीं, 1/3, तो 1/3 का क्या मतलब आएगा बोलिए, अगर आप जहां से भी लेंगे तो 1/3 के लिए हम लोग क्या करें। हाँ जी ध्यान से, जो थीटा रिक्वायर्ड होगा वो आ जाएगा 360/3, 1/3 पूरा होता है 360, बिल्कुल, तो ये जो आएगा हमारा इतना आएगा और ये थीटा आ रहा है 120 डिग्री। हाँ जी, हमारा इससे भी काम नहीं करते हम लोग तो काम करेंगे रेडियन में, यस हम लोग जो इसको लिखते हैं वो आएगा हमारा किस में, रेडियन में, है ना। तो अगर हम लोग इसको लिखें कि थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 120, हाँ जी, तो ये आ जा रहा है 2, ये आ जा रहा है 3, यानी कि 2π/3 आप ये लिखोगे। हाँ नाउ अल्फा दिया हुआ है, अल्फा अपने को दिया है वट एवर 2, 3 वट एवर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इट्स अबाउट सिंपल अप्लीकेशन कि हम लोग फॉर्मूले को कैसे यूज करें, और ये अगर कांस्टेंट है तो हम लोगों ने ये सब रिलेशन पढ़े हैं, डेल्टा थीटा थीटा जो भी लिखोगे आप, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा एंड व्हाट टी स्क्वायर आता है। नाउ ओमेगा नॉट स्टार्ट लिखा था ना, तो वो आपका ये भी जीरो हो गया, हाँ जी एज अ स्टार्ट लिखा ही है। हाँ तो थीटा की वैल्यू जो आ रहा है वो 2π/3 आपका 3 है, बिल्कुल, अल्फा आपका 2 है, तो आप टाइम लिख लीजिए। हाँ अगर आप यहां से सिंपल वे में टाइम लिखोगे तो ये टाइम जो आ रहा है ये टाइम 2θ/α अंडर रूट आएगा, हाँ जी टी स्क्वायर है ना, बिल्कुल। नाउ यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कैंसल होते हुए ये रूट अंडर आ रहा है 2π/3, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये जो इक्वेशन है ओमेगा और वी और अल्फा वाले रिलेशंस, तो हम लोगों ने इन चीजों को थोड़ा सा देखा है और कुछ बेसिक एग्जांपल्स इनके हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनालिसिस, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करते हैं, लिखते हैं फैन इज रोटेटिंग
विथ 1500 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। हाँ जी, हम लोग इसको सॉरी 1500 आरपीएम लिखते हैं, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। वैसे एसआई यूनिट मैंने बोला भी है, वो होता है हमारा रेडियन, हाँ नहीं होता है सेकेंड। तो यहां रिवॉल्यूशन पर मिनट, हाँ तो रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा है आरपीएम, इन शॉर्ट लिखा जाता है। हम इसके बारे में बात भी करेंगे थोड़ा डिटेल। अ फैन इज रोटेटिंग विथ 1500 आरपीएम इज स्विच्ड ऑफ। हाँ जी, देन हाँ देन फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इफ इट टेक 30 मिनट हाँ जी 30 मिनट टू अ स्टॉप। हाँ, नाउ जो हमें कंसीडर करना है वो ये कि ये बातें कंसीडरिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ध्यान से है ना, हम लोगों को बढ़िया रहेगा हम लोग लिखते हैं एंगुलर रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन। हाँ जी, बात आपको ये है कि जो फैन रोटेट हो रहा है, ऑफ कोर्स आप ऑफ करेंगे तो रुक रहा है किस वजह से, रिटार्डेशन। और नो डाउट वो हमको बोल दिया गया है कि वो यूनिफॉर्म लेना है, समझ रहे हैं, जैसे हम लोग पहले एक्सेलरेशन रिटार्डेशन करते थे। नाउ बात ऐसा है कि आपको चुपचाप ये चीज यूज करनी है। हाँ जी, आप अल्फा लिखिए, हाँ तो वो आपका नेगेटिव में आएगा, डीएक्सेलरेशन हो रखा है, बिल्कुल। या हम लोग इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हाँ जी, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं। एनीवे, और मैं ऐसा कर सकता हूं कि रिटार्डेशन ये तो हमारा एक्सेलरेशन है, और अगर आप बीटा मान लेते हैं जो कि माइनस अल्फा के बराबर है तो अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो हमारा फिर रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना, रिटार्डेशन आ जाएगा आपका। तो ये अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो फिर वैसा ही बिल्कुल सिमिलर मैनर में आ जाता है, अगर रिटार्डेशन माने तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बिल्कुल सिमिलर रिलेशन हमारा एंगुलर वाला भी आता है, ओमेगा वाला, अल्फा वाला, थीटा वाला, सब। आइए, तो जो दिया है वो ओमेगा नॉट अपने को 1500 रिवॉल्यूशन दिया है। हाँ जी, मतलब आरपीएम। हाँ, तो देखिए पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इसका क्या मतलब है और हम लोग क्या यूज करते हैं। आरपीएम का मतलब 1500 रिवॉल्यूशन और पर मिनट। मैं बोलूंगा कि आप इसको 1500 रिवॉल्यूशन का मतलब 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियन पर क्या आ जाएगा, सेकंड, जो कि आपको हाँ ऐसा यूनिट में करने के लिए करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, रिवॉल्यूशन में एंगल आता है 2π रेडियन और मिनट में सर, तो ये रेडियन पर सेकंड, ये एसआई यूनिट है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एसआई यूनिट करें, जैसा आंसर है सेंटीमीटर या क्या बोलते हैं जो भी यूनिट है तो कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये नॉट नेसेसरली कि हर बार आप आरपीएम को करिए, मैंने इसलिए बताया कि ये होता है एक रिलेशन और हमें ध्यान भी रखना चाहिए।
नाउ मैं इसको रेडियन में न लिख के पूछा है कितने रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, तो आप चुपचाप रिवॉल्यूशन में ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या है, आप इस तरीके से कर लो। हाँ, ऐसा हम लोग अगर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा एंड थीटा, यही है। तो ये अगर सब रिवॉल्यूशन में लिखोगे तो ये थीटा भी तुम्हारा रिवॉल्यूशन में आ जाएगा, समझ रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाँ ध्यान से, माइनस में अगर बीटा के साथ लिखेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इससे निकालने की कोई जरूरत नहीं लग रही है, हमको लग रहा है कि आप इससे लिखिए ओमेगा नॉट इंटू टी माइनस हाफ अल्फा बीटा एंड व्हाट टी स्क्वायर। देखिए अगर आप, हाँ अगर हम इन चीजों को अप्लाई करें और लिखें कि वो स्टॉप होने से पहले कितना वो रिवॉल्यूशन करा है, तो हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे, बात आता है। हाँ जी, बात आता है कि वो 30 सेकंड लिया है, तो पहले एंड हमारे पास ये भी है ओमेगा ओमेगा नॉट और माइनस बीटा इंटू कितना टी। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ये जीरो हो गया, ये आपको दे रखा है 1500, मैं रिवॉल्यूशन में ही और मिनट में ही चल रहा हूँ, माइनस बीटा, और इसको मिनट में ही लिख लो। ऐसा है, थीटा मेरा रिवॉल्यूशन में ही चल रहा है, सॉरी रेडियन नहीं है ना, और टाइम जो है मैं मिनट में लेके चल रहा हूं, सॉरी तो ये आवर हो गया, मिनट लिखिए है ना। तो अगर हम लोग इसको इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो आएगा वो आपको 30 आ जाएगा, बिल्कुल मिनट में ना, तो आवर नहीं मिनट में, तो रिवॉल्यूशन मिनट सारा यूनिट एक ही जैसा रखिए। तो यहां से आ रहा है बीटा की वैल्यू आ गई 1500/30, कोई बात नहीं। यहां से आ रहा है 5, मतलब 50, हाँ ये आएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, ये सारा कैलकुलेशन मिनट में हो रहा है और रिवॉल्यूशन में, एंड दिस इंप्लाइज आप किसी में एक में रख दो, थीटा निकालना है ना, ये आया, तो फ्रॉम 1 और लिख लीजिए और आपको जो है ये चीज आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही यह बताएगा, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट जो भी है 1500 इंटू टी, टी इज 30, हाँ जी, माइनस 1/2 बीटा 50 है, आया है हम लोगों ने निकाला, हाँ तो और टाइम बिल्कुल 30 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद बाकी जो आएगा वो आएगा, 1500 इंटू 30 माइनस में ये आ रहा है 900 इंटू 50/2, आप ऐसे ऐसे करिए। चलिए मैं 100 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा माइनस 9/25, हाँ ये तो आप रखिए ही। और दिस इज 225 है ना, हम लोग अगर कर लें तो ये आ रहा है 225, हाँ इतना रिवॉल्यूशन, बिल्कुल 30 सेकंड में अगर वो स्टॉप हो रहा है तो ये आ जा रहा है 22,500 रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा बिफोर इट स्टॉप, राइट। तो ऐसे ही मतलब जो भी है, जैसा देखिए हम लोगों ने जैसा रिलेशन मोर और लेस लिनियर में पढ़ा है और जो सॉल्व करे हैं, करीब करीब वैसा ही रिलेशन हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ये है। नाउ जो हम लोगों ने लिखा था लिनियर वेलोसिटी और ओमेगा का रिलेशन है ना,
हम लोग फिर आते हैं कि जो कंप्लीट एनालिसिस है, ऐसा नहीं है सर्कुलर मोशन का आप अल्फा थीटा यही सब लिखिए, ऑफ कोर्स उसके भी रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई में हम लोग पूरा डील कर सकते हैं, एंड उससे आपको बकायदा रिलेशन भी समझ में आएगा, निकल के भी आएगा कि हमारा लीनियर वेलोसिटी कैसे रिलेटेड होगा, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे रिलेट होगा और इनके तमाम रिलेशंस।